गाजियाबाद के थाना विजयनगर के एक स्कूल प्रिंसिपल को ब्लेड लेकर स्कूल में मारने पहुंची अभिभावक महिला ने गला दबाकर किया जान से मारने का प्रयास। क्षेत्र के सर्वोदय नगर में स्थित सेंट टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर सविधा से महिला की दोस्ती बताई जा रही है। महिला की बेटी स्कूल में तीसरी क्लास में पढ़ती है। बच्ची की माँ का नाम मीनाक्षी है, जो स्कूल में आकर बेवजह सिस्टर और स्टाफ को तंग व परेशान करती है। एक दिन मीनाक्षी ने जबरन मिलने की कोशिश की, जिस पर सिस्टर ने मिलने से मना कर दिया। इसके बाद मीनाक्षी ने सिस्टर के मोबाइल पर पिस्टल की फोटो भेजकर जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, मीनाक्षी ने अपना हाथ ब्लेड से काटकर फोटो भेजकर आत्महत्या की भी धमकी दी। और मंगलवार को शाम करीब 6 बजे मीनाक्षी अपने हाथ में ब्लेड लेकर सिस्टर को जान से मारने के लिए स्कूल परिसर में जबरन घुस गई और सिस्टर को पकड़कर गला दबाकर मारने का प्रयास किया। ऐसा होते देख मीनाक्षी से बेमुश्किल अन्य सिस्टरों ने बचाया। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पुलिस ने बताया कि महिला साइको किस्म की है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नवबारा समाचार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से अरुण कुमार। महिला नस काट कर अपने स्कूल में पहुंच जाती है, क्या है पूरा मामला? एक मामला थाना विजयनगर क्षेत्र में आने वाले सेंट टेरेसा स्कूल का आया था, जिसमें एक जो महिला थी मीनाक्षी नाम की, वो एक स्कूल के परिसर में पहुंच गई थी हाथ में ब्लेड लेकर के, और उनका हाथ से भी कुछ खून बह रहा था। इस मामले पे जैसे ही पुलिस को सूचना मिली है, थाना विजयनगर की टीम अंदर गई स्कूल में, उस महिला को भी लाया गया, उसको प्राथमिक उपचार दिलाया गया, और साथ ही साथ जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं उनकी तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, उस तहरीर के आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी।